हाय एवरीवन, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूँ रितेश और आज है 4 फरवरी। 4 फरवरी से झारखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर सभी क्लासेस के PDF आपको एक साथ मिल जाएंगे और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, करंट अफेयर्स की थ्योरी को देखने वाले हैं, प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिविजन करने वाले हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे देखने वाले हैं, प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं और एक मोटिवेशनल कोट को देखने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को कि सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। यानी आप सबसे पहले अपने टारगेट को फिक्स करें, आपका जो भी गोल होगा उसे अचीव करने के लिए आप लोग कंटिन्यू एफर्ट के साथ में मेहनत करते रहिए। उसके लिए आपको टाइम देखने की जरूरत नहीं है, आप जब भी पढ़े तो अपने एम को सोचते हुए पढ़े, अपने एम को टारगेट करके पढ़े और कंटिन्यू एफर्ट के साथ में पढ़े। पढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं होता, जब भी मौका मिले आप पढ़ते रहिए। तो चलिए इसी खूबसूरत मोटिवेशन लाइन के साथ में शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास को और चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में JMM का 43वां झारखंड दिवस कब मनाया गया है? तो JMM का 43वां झारखंड दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में 2 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM ने 43वां स्थापना दिवस यानी झारखंड दिवस को मनाया है। दुमका के गांधी मैदान में इसे मनाया गया है। 43 साल पहले JMM ने पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया था। तब से हर वर्ष 2 फरवरी को JMM का झारखंड दिवस और 4 फरवरी को JMM का स्थापना दिवस मनाया जाता है। JMM की स्थापना दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि 4 फरवरी 1973 को JMM का स्थापना किया गया था। JMM का स्थापना विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया था। तो इसे आप लोग याद रख के इस साल JMM का अपना 50वां स्थापना दिवस को मनाया जाएगा। तो JMM की स्थापना 1973 में की गई थी और 4 फरवरी 2022 में JMM का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया था। JMM के 43वें स्थापना दिवस या फिर झारखंड दिवस को 2 फरवरी में मनाया गया है और दुमका में ये मनाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं JMM के 42वां झारखंड दिवस 2 फरवरी 2021 को मनाया गया है और 49वां स्थापना दिवस 4 फरवरी 2021 को मनाया गया है। इस साल JMM का 50वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। JMM की स्थापना 1973 में की गई थी विनोद बिहारी महतो के द्वारा। ये कहाँ पे मनाया गया है? तो ये दुमका में मनाया गया है। दुमका, तो ये है मैप में दुमका। बात करेंगे दुमका की, तो दुमका का फॉर्मेशन 1855 में किया गया था यानी 1855 में किया गया था। दुमका में ब्लॉक की बात करें तो दुमका में टोटल 10 ब्लॉक है। दुमका अपनी बाउंड्री 2 राज्यों के साथ, बिहार और पश्चिम बंगाल, 2 राज्यों के साथ शेयर करती है। झारखंड के 4 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है। इन 4 जिलों में जामतोड़ा, देवघर, पाकुड़ और गोड्डा शामिल है। यानी झारखंड के 4 जिलों के साथ और भारत के 2 राज्यों के साथ दुमका अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। दुमका झारखंड की उपराजधानी है और रांची झारखंड की राजधानी है। तो दुमका से रिलेटेड इतने सारे टर्म्स को आप लोग याद रखें। दुमका का फॉर्मेशन 1855 में किया गया था और दुमका का एरिया 4,404 किलोमीटर स्क्वायर का है। तो इसे आप लोग याद रखिए। दुमका में सब डिविजन की बात करें तो एक ही सब डिविजन है दुमका में जिसका नाम है दुमका। दुमका में SDM कौन है? तो श्री राकेश कुमार दुमका के SDM है। दुमका में टोटल 10 सर्कल है, 10 ब्लॉक है और 206 पंचायत है। विलेजेस की बात करें तो 2,944 विलेजेस है। लोकल बॉडीज की बात करें तो दुमका में 2 अर्बन लोकल बॉडीज है जिसे दुमका और पासु की नाथ के नाम से जाना जाता है। ये दुमका के 10 ब्लॉक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दुमका के 10 ब्लॉक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर कितने स्कूल खोले जाएंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3। राज्य में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर 3 स्कूल खोले जाएंगे जो नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तरह ही होंगे। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। राज्य में नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर 3 स्कूल का निर्माण किया जाएगा। राज्य में दुमका,
चाईबासा और बोकारो में इन विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। इसमें एक विद्यालय के निर्माण के लिए लगभग 200 करोड़ का खर्च किया जाएगा, यानी तीन विद्यालय के निर्माण के लिए लगभग 600 करोड़ का खर्च किया जाएगा। इन विद्यालयों में छात्रों के लिए वे सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी जो वर्तमान में नेतरहाट विद्यालय में हैं। इन विद्यालयों को लगभग 100 एकड़ जमीन पर निर्माण किया जाएगा। तो इन विद्यालयों का निर्माण 100 एकड़ जमीन पर किया जाएगा और लगभग एक विद्यालय के निर्माण में 200 करोड़ का खर्च किया जाएगा। नेतरहाट आवासीय विद्यालय, तो ये है नेतरहाट आवासीय विद्यालय। ये कहाँ पे है? तो ये नेतरहाट में है। नेतरहाट कहाँ पे है? तो नेतरहाट है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, लातेहार। तो देखिए, ये है नेतरहाट आवासीय विद्यालय। ये कहाँ पे है? तो ये राज्य के नेतरहाट में है और लातेहार जिले में है, लातेहार जिला। तो इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय का फॉर्मेशन 15 नवंबर 1954 में किया गया था। इसे आप लोग याद रखिए। ये कहाँ पे है? तो लातेहार जिले में है नेत्रहाट। तो नेत्रहाट को झारखंड की मलिका या फिर छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे आप लोग याद रखें, ये लातेहार जिले में है। तो ये है मैप में लातेहार। लातेहार की बात करें तो लातेहार का फॉर्मेशन कब किया गया था? तो लातेहार का फॉर्मेशन किया गया था 4 अप्रैल 2001 में। 4 अप्रैल 2001 में लातेहार का फॉर्मेशन किया गया था। लातेहार में ब्लॉक की बात करें तो लातेहार में टोटल 9 ब्लॉक है। लातेहार अपनी बाउंड्री छत्तीसगढ़ राज्य के साथ शेयर करता है और झारखंड के 6 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इन 6 जिलों में गढ़वा, पलामू, चतरा, रांची, लोहरदगा और गुमला शामिल है। यानी इन्हीं 6 जिलों के साथ लातेहार अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। लातेहार में क्या है? तो नेतरहाट, नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी और झारखंड की मलिका कहा जाता है। साथ साथ बेतवा नेशनल पार्क, झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है, तो बेतवा नेशनल पार्क भी लातेहार जिले में ही स्थित है। लातेहार में और क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी, दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है और वो भी लातेहार जिले में ही स्थित है। यानी लातेहार जिले में ही उसका उद्गम स्थल है। तो इसे आप लोग याद रखिए लातेहार। तो लातेहार जिला का एरिया कितना है? 3,660 किलोमीटर स्क्वायर का लातेहार जिले का एरिया है। ये कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो ये पलामू डिवीजन के अंतर्गत आता है। इसे आप लोग याद रखिए। लातेहार जिले में ब्लॉक की बात करें तो लातेहार जिले में टोटल 9 ब्लॉक है। सब डिवीजन की बात करें तो 2 सब डिवीजन है लातेहार जिले में, एक है लातेहार और दूसरा है महुआ डाड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मिताली को आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो मिताली राज को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। हाल ही में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज को, ये भारतीय टीम की कप्तान है, इसे आईसीसी वनडे रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज आईसीसी वनडे महिला बल्लेबाजी की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। मिताली को 738 रेटिंग के अंक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली 750 अंक के रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? एलिसा हेली पहले स्थान पर है 750 अंक के साथ में, और मिताली राज भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान दूसरे पोजीशन पर है 738 रेटिंग के साथ में। इसे आप लोग याद रखें, मिताली राज, तो ये है मिताली राज और ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और ये आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है मिताली राज। तो मिताली राज का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1982 को इनका जन्म हुआ था और जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। तो इन्हें आप लोग याद रखें। अब देखिए इनसे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें 3 अवार्ड मिले हैं। वो 3 अवार्ड को आप लोग याद रखिए, अर्जुन अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इन्हें मिला है। तो इन 3 अवार्ड को इन्हें आप लोग याद रखिए। ये कौन है? तो ये है एलिसा हेली। ये ऑस्ट्रेलिया की एक क्रिकेट प्लेयर है और ये आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर है और मिताली राज दूसरे स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पटना से झारखंड के किस रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। पटना से रांची के बीच में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। हम लोगों ने देखा था रांची से कोलकाता के बीच में भी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। झारखंड में अब 2 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, एक रांची से कोलकाता के लिए और दूसरा रांची से पटना के लिए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत अब पटना से रांची के बीच में भी किया जाएगा। देश के आम बजट में 400 नई वंदे भारत ट्रेन को चलाने का घोषणा किया गया है। राज्य में रांची से कोलकाता के बीच वंदे भारत ट्रेन को चलाने की तैयारी की जा रही है। अब राज्य में रांची से पटना के बीच भी वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा। इससे झारखंड के पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के लोगों को
बहुत ही लाभ मिलेगा। देश में वंदे भारत ट्रेन को उन्हीं रूटों पर चलाया जाएगा जहां यात्री 8 से लेकर 10 घंटे तक का सफर करते हैं। वंदे भारत ट्रेन को रांची से लेकर अब पटना के बीच में भी चलाया जाएगा और रांची से लेकर कोलकाता के बीच में भी चलाया जाएगा। इसका अर्थ ये कि अब झारखंड में 2 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। वंदे भारत ट्रेन, तो ये है वंदे भारत ट्रेन, इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, तो इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 में किया गया था और इसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ये है प्रधानमंत्री मोदी और इन्होंने 15 फरवरी 2019 में इस ट्रेन की शुरुआत की थी, तो इसे आप लोग याद रखिए। अब ये कहाँ पे शुरुआत की जाएगी, तो रांची से लेकर पटना तक इसे शुरू किया जाएगा। तो ये है मैप में पटना और ये है रांची, रांची से लेकर पटना के बीच में इसे शुरुआत की जाएगी और इसका जो एरिया है वो ये है, देख सकते हैं आप इसको, यानी इस तरीके से पटना से लेकर रांची तक के एरिया को ये कवर करेगी। 316 किलोमीटर का एरिया है जो वंदे भारत ट्रेन से कवर करेगी। तो रांची से लेकर पटना के बीच में और रांची से लेकर कोलकाता के बीच में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। झारखंड में 2 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जज प्रदीप श्रीवास्तव को अब राज्य के किस कोर्ट के जज बनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची हाई कोर्ट। जज है प्रदीप श्रीवास्तव, इनको भी झारखंड हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। झारखंड के सुपीरियर जुडिशियल सर्विस के कैडर के प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को झारखंड कोर्ट का जज बनाया जाएगा। वर्तमान में वो बोकारो के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन पद के जज हैं। झारखंड हाई कोर्टों में न्यायाधीशों की कुल संख्या 25 है, लेकिन इसमें से 20 ही पद पर न्यायाधीश कार्यरत है। झारखंड के चीफ जस्टिस कौन है, तो रवि रंजन झारखंड के चीफ जस्टिस है, और चीफ जस्टिस को मिलाकर भी अभी झारखंड में कुल 25 न्यायाधीश ही कार्यरत है, यानी बाकी 5 पद खाली है। उन्हीं बाकी 5 पदों में से इनके लिए भी एक पद दिया जाएगा, इन्हें एक पद दिया जाएगा। अब झारखंड में 21 जज हो जाएंगे और 4 पद जो है वो खाली रहेंगे। तो ये है प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, इन्हें अभी रांची हाईकोर्ट का जज बनाया जाएगा। रांची हाईकोर्ट, तो ये है रांची हाईकोर्ट, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये राजधानी रांची में स्थित है। रांची, तो ये है मैप में रांची। बात करते हैं रांची की, तो रांची का फॉर्मेशन 1899 यानी 1899 में किया गया था। रांची में ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करती है और झारखंड के 9 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है। इन 9 जिलों में रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां है, यानी इन्हीं 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। और रांची एकमात्र ऐसा जिला है जो 9 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है, यानी झारखंड के सबसे ज्यादा जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को रांची ही शेयर करता है। अब रांची, तो रांची झारखंड की राजधानी है और दुमका झारखंड की उपराजधानी है। तो रांची से जुड़ी इतनी सारी चीजों को आप लोग याद रखें। आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सीयूजी में कितने विषयों के इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 7। रांची में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में 7 विषयों की इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किए जाएंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर हमारे इस स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा दिया है, बहुत ही डिटेल में लिखा है, तो आप लोग भी इससे इंस्पायर हो और आप लोग भी ट्राई करें डिटेल में लिखने का। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रियल टाइम रैंकिंग में राजधानी रांची को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें और उसके बारे में डिटेल में लिखिए। आप लोग डिटेल में नहीं लिखते हैं, आप लोग ट्राई करें डिटेल में लिखिएगा। तो चलिए प्रीवियस डे के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिविजन करते हैं। राज्य सरकार के द्वारा कितने छात्रों को टैब और रोजाना 2 GB डाटा 1 साल के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 21,000। राज्य सरकार के द्वारा 21,000 छात्रों को एक टैब और रोजाना 2 GB डाटा 1 साल के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। हाल ही में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत किस संस्थान को राज्य में प्रथम स्थान मिला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, JNSC यानी जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी। तो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रथम स्थान मिला है, तो इसे आप लोग याद रखिए। हाल ही में कब NDRF का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो NDRF की स्थापना दिवस की बात करें तो 19 जनवरी को NDRF का स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के सभी शिक्षण संस्थानों को NAAC की मान्यता लेने के लिए कितने समय दिया गया है।
तो कितना समय दिया गया, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 साल। झारखंड के सभी शिक्षण संस्थानों को नैक की मान्यता के लिए 3 साल का समय दिया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया के नए सीएमडी की बात करें तो एयर इंडिया के नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया, इसका सही आंसर क्या होगा? विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। तो आप लोग इसे याद रखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।